हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। यह सवाल आपका रिलेटेड है हाइट एंड डिस्टेंस से। तो सबसे पहला काम, अगर हमें प्रश्न दिया जाए, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसको रीड करना है एंड उसको पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप पढ़ेंगे, एक स्टेप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, अब मीनार का पाद बिंदु और ये क्या होता है, सबसे पहले कह रहा है मीनार। मीनार कहने का मतलब है एकदम लंबा सा खड़ा सा पिलर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया। अब कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, मीनार के पाद बिंदु से कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, हमने कह दिया 30 मीटर की दूरी पर। अब देखिए, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है, हमने मिला दिया, लो बाबू 30 डिग्री कर दिया हमने। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई फाइंड कीजिए, ठीक है, यानी यह हाइट है बाबू, इसी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इसका नामकरण कर देते हैं, BC, और यह क्या हो गया आपका 90 डिग्री, और यह त्रिभुज कैसा बन गया, तो देख रहे हैं देखने में लग रहा है क्या समकोण है, ठीक है ना, जिसमें एक को 90 डिग्री के बराबर हो वो हमारा क्या होता है, समकोण। तो ध्यान दीजिएगा, जब यह 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जाहिर से जाहिर बात जानते हैं क्या हम लोग कहते हैं, कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब देखिए, थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है, और जो बचा सो हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है ना। तब देखिए, सबसे पहले जो काम फिगर में किया ना उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कोई ज्यादा से मतलब नहीं है। क्या हमने काम किया था, हमने कहा कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, तो ABC में। क्या क्या दिया हुआ है बाबू, तो दिया हुआ है क्या, AB बराबर H हम लोग माने हैं, ठीक ना, दिया है क्या है, एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, जो यहाँ पे लिखा हमने एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। फिर क्या दिया हुआ है बाबू, BC बराबर क्या, 30 डिग्री, ठीक है, BC का वैल्यू कितना, 30 डिग्री, AB का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने कहा क्या, लो सर जी हम लोग क्या लिख दिए, AB बराबर क्या माना, H माना, ठीक है, कोई आपत्ति हो गया क्या इससे, तो कोई आपत्ति नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कर रहा है, हमें H का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग एक बात पढ़े थे क्या, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में 6 निष्पत्तियां के बारे में हम लोग पढ़े थे, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। अब देखेंगे, हमें चाहिए इसका और इसका कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, इसका है और इसका कॉम्बिनेशन। यह है क्या है हमारा, तो यह हमारा परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा ना रेशियो, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इस दो रेशियो बनता है बाबू, क्या बनता है, एक तो मेरा बना क्या टेन थीटा और एक बना क्या कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, तब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहते हैं। या दो वो टेन ले या तो कॉट ले, दोनों में से कोई ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसका वैल्यू चाहिए और इसका दिया हुआ है, ठीक ना। तब देखिए, हमने कहा टेन ही ले लेते हैं, हम लोग बोलेंगे क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, तो tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है ना, tan 30 डिग्री बराबर, हम लोग क्या जाने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक। तो हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB, ठीक है, तो AB, बेस क्या है 30, तो हम लोग कहेंगे tan 30 के वैल्यू कितना होता है जी, तो हम लोग जानते हैं भली भांति कि सर जो tan 30 के वैल्यू का होता है, हम रट गए हैं का, तो 1/√3 होता है, तो 30 का वैल्यू हमने क्या रखा, 1/√3 रखा, और AB का वैल्यू हमने क्या माना था, H माना था, तो AB के जगह पे हम लोग क्या रख दिए, H रख दिए, अब यहाँ पे क्या रख दिए, 30 रख दिए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो गया बाबू आपका H/√3 बराबर क्या, 30। अब देखिए, हमें सिर्फ H का वैल्यू चाहिए, यह दोनों क्या है आपस में गुना में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, ठीक, 30/√3। अब देखिए, हम लोग जानते हैं हर में क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे हर का परिमेयकरण कर देंगे, जब हर का परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3/√3,
अब याद रखिएगा, अगर √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा बाबू, तो 3 आएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। कैसे, सो देखिए, इसको हम लोग √9 लिख सकते हैं, √3 को √9, और √9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 होता है। क्लियर डेट। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि h बराबर 30√3/3। 10 कट गया, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या एच का वैल्यू कितना आ गया आपका, 10√3 आ गया। तब हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं क्या, हमें मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, तो हम लोग कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो 10√3 होगा। ठीक है, अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह का वीडियोज मैं प्रत्येक दिन 1 से 2 वीडियोज लेकर के आप सभी के लिए मैं आता रहूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ।